सदगुरु कबीर ने कहा है, रहो संहारे राम बिचारे, कहता हूँ जे पुकारे हो। मैं पुकार कर कहे जा रहा हूँ कि तुम अपने आप को संभाल कर रखो और राम का विचार करते रहो। रहो संहारे राम बिचारे, चार शब्द हैं, लेकिन इन चारों शब्दों में सदगुरु कबीर ने व्यवहार और परमार्थ की सारी बातें कह दी हैं। कबीर वाणी सूत्रवाणी है, सूत्रवाणी उस वाणी को कहते हैं जिसमें थोड़े में ही बहुत कुछ कह दिया जाता है। आप दर्शन ग्रंथों को पढ़ें, सांख्य योग मीमांसा वेदांत वैशेषिक, उनमें सूत्र हैं, लेकिन थोड़े में ही बहुत कुछ कह दिया गया है। कबीर वाणी शास्त्र वाणी है, आवश्यकता है मनन चिंतन करने की। रहो संहारे, अपने को संभाल करके रखो, हर जगह हर बात में थोड़ा सा विचार करें। यदि आदमी अपनी काम वासना को संभाल ले तो व्यभिचार बलात्कार और अनैतिक संबंध, जनसंख्या वृद्धि, इन सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। एक काम की वासना को न संभालने के कारण स्वयं के जीवन में और दुनिया में कितनी कितनी समस्याएं खड़ी हो रही हैं और खड़ी हैं सब समझ सकते हैं। एक काम वासना को न संभालने के कारण कितनी हिंसा, हत्या, अपराध, दुष्कर्म हो रहे हैं। आदमी अपने क्रोध को संभाल ले तो बैर विरोध लड़ाई झगड़ा मार पीट गाली गलौज मुकदमा बाजी व्यर्थ का खर्च, मन के अशांति, व्यवहार की उलझन, परिवार का टूटन, सब का समाधान हो जाए। ये समस्याएं अपने आप समाप्त तो हो जाए। प्रतिकूल व्यवहार मिलने पर क्रोध आता है, क्षणिक कुछ देर संभाल ले उसको, मन की असहनशीलता को संभाल ले, मन की उत्तेजना को संभाल ले, जीवन में कितनी शांति हो जाएगी। एक क्रोध को नहीं संभाल पाता है आदमी, बड़े बड़े कांड, बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न होते और बाद में पश्चाताप। थोड़ा सा संभाल लेते तो ये समस्याएं क्यों होती, पश्चाताप क्यों करना पड़ता। लोभ को संभाल ले आदमी
एक लोभ को संभाल लिया जाए यदि, तो मिलावटबाजी, काला बाजारी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, गबन, घोटाला सब समाप्त। लोभ को नहीं संभालता है पैसे का लोभ, और पैसे के लोभ में फिर भाई भाई को भाई नहीं समझता, पिता पुत्र के बीच, पड़ोसी पड़ोसी के बीच, मित्र मित्र के बीच कितने कलह, कितने द्वंद। लोभ को संभाल ले तो घुस लेगा आदमी, गबन करेगा, घोटाला करेगा, भ्रष्टाचार करेगा। लोभ को संभाल ले आदमी तो पैसे के लिए झूठ बोलेगा, दूसरे का हक मारेगा, सबका समाधान हो जाए। मुंह को संभाल ले तो पक्षपात करेगा, मुंह को संभाल ले तो अन्याय करेगा, समाधान हो जाएगा। अहंकार को संभाल ले आदमी तो किसी दूसरे को छोटा समझकर उसका तिरस्कार और अपमान करेगा, किसी को घृणा की दृष्टि से देखेगा, किसी को तुच्छ समझेगा। अहंकार को नहीं संभाल पाता, हम बड़े, फिर दूसरे की अवहेलना, तिरस्कार, अपमान, घृणा सब शुरू हो जाता है। ऐसे ही आप अन्य पर ले लें, एक जीभ को संभाल ले आदमी, जीभ को संभाल ले तो कटु नहीं बोलेगा, अश्लील नहीं बोलेगा, अनावश्यक नहीं बोलेगा, अनर्थकारी नहीं बोलेगा, निंदा नहीं निकलेगी, चुगली नहीं निकलेगी, बुराई नहीं निकलेगी, ऐसी कोई बात नहीं निकलेगी जबान से जो दूसरों के लिए पीड़ादायी हो और कलह उत्पन्न करने वाली हो। जीभ को नहीं संभाल पाता आदमी, तो कैसी कैसी बातें मुख से निकलती है। जीभ को संभाल ले तो आदमी स्वयं शांत रहेगा, औरों को शांत रहेगा। जिह्वा में जहर भी है, जिह्वा में अमृत भी है। एक ने किसी से पूछा, आदमी के शरीर में सबसे निकृष्ट अंग, सबसे खराब अंग कौन है? उत्तरदाता ने कहा, जीभ सबसे खराब है। फिर प्रश्न किया गया कि आदमी के शरीर में सबसे उत्तम अंग, सबसे बढ़िया अंग कौन है? तो उत्तरदाता ने कहा, जीभ सबसे बढ़िया अंग है। तो प्रश्नकर्ता ने कहा कि मैंने पूछा कि सबसे खराब अंग, तो आपने उत्तर दिया जीभ, सबसे उत्तम पूछा तो उत्तर जीभ, तो जीभ सबसे खराब और सबसे उत्तम कैसे होगा? उत्तरदाता ने कहा, यदि आदमी बोलने की कला ना जाने तो जीभ से खराब अंग दूसरा कोई नहीं है। फिर तो आदमी बोलने कला ना जाने तो इसमें से केवल जहर निकलेगा, और बोलने की कला जान ले तो जीभ से सुंदर अंग और कुछ नहीं, फिर इसमें से अमृत निकलेगा। चतुर कबीर कहते हैं, जिह्वा में अमृत बसे। जो कोई जाने बोल, विश्वासुकी का उतरे जिह्वा तने हिलूल। यदि आदमी बोलने की कला जानता है तो आदमी की जबान में अमृत बसता है,
और बोलने की कला न जाने तो जहर बरसता है वासुकी नाग। नाग किसी को काट ले तो उसका जहर तो उतारा जा सकता है, लेकिन जीवा का जहर पूरे शरीर को मथ करके रख देता है। आदमी जब तक जीवित रहता है तब तक वो शरीर को मथता रहता है। तो एक जीव को संभाल ले तो पिता और पुत्र के बीच, भाई और भाई के बीच, पति और पत्नी के बीच, सास और बहू के बीच, देरानी जेठानी के बीच, जो घर घर में कला है, ये कला के लिए गुंजाइश होगी। फिर तो घर घर में स्वर्ग का वातावरण अपने आप उपस्थित हो जाएगा। जीव को संभाल नहीं पाता आदमी तो आज हर घर प्रायः नरक बना हुआ है, सब अशांति में जी रहे हैं। एक जीव को संभाल ले आदमी तो गलत नहीं खाएगा, ज्यादा नहीं खाएगा। एक जीव को संभाल ले आदमी तो लाखों लाखों प्राणियों का जीवन बच जाएगा। एक जीवा स्वाद को नहीं संभाल पाता, सुबह होते होते ही लाखों प्राणियों की हत्या हो जाती है रोज। जीव को न संभालने के कारण प्राणी जगत में घोर कष्ट दुख है। थोड़ी सी जीवा स्वाद, सुबह होते होते हजारों गाय भेड़े बकरे सुअर और क्या कौन कौन जानवर काट डाले जाते हैं। जीव स्वाद को संभाल लेता आदमी, क्यों इतना अनर्थ होता, क्यों दुनिया को पीड़ा से भरा जाता, क्यों अनेक प्राणियों का अस्तित्व ही संकट में उपस्थित होता। लेकिन आदमी संभाल नहीं पाता है। एक आंख को संभाल ले आदमी तो बहुत सारी दुर्दशा से, अनाचार से, दुराचार से बच जाता है। आंखों को नहीं संभाल पाता, इसलिए विजाति घट को देख करके मोहग्रस्त, वासनाग्रस्त और परिणाम में दुराचार, अशांत, व्याकुल। एक दूसरे को, युवक युवती दूसरे को देख करके मोहग्रस्त होते हैं, कैसे देख देख करके। तो ही कहते हैं कि आंखें चार हो गई, परिणाम न रात में नींद न दिन में भूख, व्याकुल। आंख को संभाल ले तो दुराचार अनाचार व्यभिचार हो पाएगा, नहीं संभाल पाता है। इसलिए अनेक दुर्घटनाएं जीवन में घट रही हैं। आंखों पर संयम यदि कर लिया जाए तो मन पर संयम करने में बहुत सरलता हो जाए। मन पर संयम करने के लिए जीव और आंख दोनों पर संयम करना जरूरी है। जो आदमी अपनी जीव पर और आंख पर संयम नहीं कर सकता, वह आदमी कभी भी अपने मन पर संयम नहीं कर सकता है। जीव पर संयम, स्वादाशक्ति रसाशक्ति पर संयम, अनेक जगह अनेक साधकों ने संतों ने ये लिखा है। जीभ और जननेन्द्रिय दोनों का बहुत संपर्क है। स्वादाशक्त आदमी की जननेन्द्रिय संयमित नहीं होगी,
ब्रह्मचर्य पालन करना है, संयम से जीना है, तो स्वादाशक्ति पर संयम करना होगा, उसको संभाल लो तो संभल जाएगा। ऐसे ही आँख पर संयम कर लो, आँख को संभाल लें, दुर्घटना नहीं घटेगी। इस संबंध में प्रायः एक संत की बात याद आया करती है, बहुत लोग जानते होंगे, मैं फिर दोहरा देता हूँ। यदि आदमी अपनी आँखों को संभाल ले तो कितने वह शांति से जीवन जी सकते हैं, दुर्घटना से वह बच सकता है। उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे रात के समय प्रायः 10-11 बजे रात के बाद हाईवे पर ट्रकें बहुत तेजी से चलती है, ड्राइवर फुल स्पीड में ट्रक चलाता है, हेडलाइट जल रही है, खुली सड़क, निश्चिंत है ड्राइवर, बहुत तेज गति से ट्रक चलाता है, लेकिन देखता है कि सामने से भी एक ट्रक आ रही है, वो भी तेज चल रही है, उसकी भी हेडलाइट। आमने सामने के दोनों ड्राइवर देखते हैं कि सामने से ट्रक आ रही है, दोनों हेडलाइट जल रही है, तो दोनों ड्राइवर डिपर का प्रयोग कर लेते हैं। यदि ड्राइवर डिपर का प्रयोग न करे तो दोनों ड्राइवरों की आंखें चौंधियाए जाएगी और टक्कर होने की संभावना बढ़ जाएगी, दुर्घटना हो सकती है, दोनों को खतरा होगा। इसलिए आमने सामने के ड्राइवर डिपर का प्रयोग करते हैं और दोनों तेज गति से अपनी अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ले जाते हैं, दुर्घटना नहीं घटती है। यही बात हमारी जीवन की है, इधर से हम जा रहे हैं, उधर से कोई युवती आ रही है, इधर से कोई पुरुष युवक जा रहा है, उधर से युवती आ रही है, दोनों की हेडलाइट जल रही है, दोनों का आंखें खुली हुई है, आंख से आंख टकराएगी, दुर्घटना घटेगी। डिपर का प्रयोग करो, पलक झुका लो, आंख को संभाल लो, दुर्घटना नहीं हो घटेगी। हमारे आंखें डिपर का काम करती है, लेकिन डिपर का प्रयोग करना जाने तब तो काम करेगी ना, हमारी जो पलकें हैं डिपर का प्रयोग है, डिपर के बराबर है, तो इसका भी तो प्रयोग करना होगा। आंखों को संभाल लें, गलत दृश्य ना देखें। क्यों मन गलत दृश्य में भटकेगा, क्यों गलत चिंतन करेगा, हर जगह संभालने की आवश्यकता। सदगुरु कहते हैं रहो संहारे, अपने को संभाल करके रखो, मन को संभाल करके रखें, गलत नहीं सोचेंगे। व्यवहार और परमार्थ, भीड़ और एकांत, भीड़ में हैं लोगों के बीच, शब्दों को संभाल कर रखें, अकेले हैं एकांत में, विचारों को संभाल करके रखें। शब्दों की आवश्यकता भीड़ में ही होती है, अकेले के लिए शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं होती। किससे बोलना है, क्यों बोलना है, सामने जब कोई होता है तभी शब्द की आवश्यकता होती है बोलने की, और वहां शब्दों को नहीं संभाला गया तो कलह, लड़ाई, झगड़ा, विवाद। जब भी भीड़ में है तो शब्दों को संभाल करके प्रयोग करें, क्या बोलना है सोच लें। व्यवहार है जहाँ तक है शब्दों के माध्यम से चलता है, ज्ञान का आदान प्रदान कहना सुनना शब्दों के माध्यम से होता है, लेकिन न संभाले तब कुछ का कुछ बोल जाएंगे।
तो बोलना तो है, प्रकृति ने हमें वाणी की शक्ति दी है। सर्वथा मौन हो जाए आदमी जीवन भर के लिए, चल तो जाएगा काम, लेकिन बहुत दिक्कत है, फिर ज्ञान विज्ञान का विकास नहीं होगा, कला कौशल का भी उतना विकास नहीं हो पाएगा। आदमी जीवन भर के लिए मौन हो जाए तो आदमी के पास कोई इतिहास नहीं होगा। तो बोलने की आवश्यकता है, लेकिन क्या बोलना है यह विचार ले। सद्गुरु कबीर ने तो कहा है, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, हिय तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। वाणी तो एक एक वाणी ऐसी होती है जो अनमोल होती है, उसकी कीमत चुकाई नहीं जा सकती, लेकिन आदमी बोलने की कला जाने तब। बोलने की कला क्या है? हृदय की तराजू पर तौल लें कि उचित है या अनुचित, तब मुख से बाहर निकालें। कैसे हमें पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है? हम तो यही समझते हैं कि जो मैं बोलता हूं सही ही बोलता हूं। कोई आदमी स्वीकार करेगा कि मैं जो बोलता हूं वो गलत बोलता हूं या गलत बोल रहा हूं? हर आदमी ये समझता है कि मैं जो बोलता हूं सही ही बोलता हूं। तो फिर द्वंद्व क्यों है, कला क्यों है, मनमुटाव क्यों है, द्वेष क्यों है मन में? गड़बड़ी तो हो रही कहीं ना कहीं पर। कैसे जाने हम कि जो मैं बोलने जा रहा हूं सही है या गलत? कौन बताएगा? दूसरा बताएगा तो तब बताएगा जब हम बोल जाएंगे, तब हमारे मुख से शब्द निकल जाएंगे, तब तो फिर समय खत्म हो चुका होगा, बीत गया होगा। बोलने के पहले विचार करना है। कैसे? बोलने के पहले हम थोड़ा सा सोच लें, बस कुछ सेकंड, कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं वही बात सामने वाला यदि कहेगा तो मुझे कैसे लगेगा, इतना विचार लें। और यदि ये लगता है कि जो बात मैं बोलने जा रहा हूं यदि वही बात सामने वाला बोलता है और सुन करके मेरा मन दुखी हो जाता है, समझ ले आपकी बात गलत है, न बोले। और ये लगता है कि जो बात मैं बोलने जा रहा हूं वो बात यदि सामने वाला बोलता है और बोलेगा तो उसको सुन करके मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा, तो समझ लो आपकी बात बहुत बढ़िया है, बेधड़क आप बोल जाइए, इतनी कसौटी है। बोलने के पहले भीड़ में लोगों के बीच शब्दों को संभाल करके रखें, फिर बहुत सारे अनर्थों से आप बच जाएंगे, स्वयं सुखी रहेंगे औरों भी को भी सुखी बनाएंगे। अकेले में विचारों को संभालें, एकांत में आप हैं, अकेले हैं, विचार को संभाल लें, क्योंकि जीवन ऐसा है, सुबह से शाम तक का जो समय होता है इसमें अनेक बार हमें भीड़ में रहना होता है, पति के साथ, पत्नी के साथ, पिता के साथ, पुत्र के साथ, भाई के साथ, नौकर स्वामी के साथ, सहयोगियों के साथ, खेत में, दफ्तर में, खलिहान में, बहुत लोगों के साथ काम करना होता है, तो वहाँ भीड़ है। लेकिन सदैव भीड़ में हम नहीं होते, अनेक बार अकेला होना होता है, बाथरूम गए अकेले हो गए, बिस्तर पर गए अकेले हो गए, रात चल रहे हैं अकेले हो गए, तो रोज अनेक बार ऐसा अवसर आता है जब हमें अकेला रहना होता है, उस समय अपने विचारों को संभाल लें।
कोई गलत विचार मन में ना आने दें। विचारों पर निगरानी, विचारों पर नियंत्रण। और अकेला जब आदमी होता है तब विचारों पर नियंत्रण नहीं रह जाता, फिर क्या से क्या मन सोचने लग जाता है और फिर आदमी तनाव से भर जाता है। क्यों तनाव में डूबा है आदमी? विचारों पर नियंत्रण न होने के कारण। विचारों पर नियंत्रण कर ले, तनाव, अवसाद, मानसिक द्वंद, मानसिक संताप समाप्त। विचारों पर नियंत्रण कर ले आदमी तो रात की नींद भी अच्छी लगेगी। बिस्तर पर आप जाएं, बस विचार बंद। बिस्तर पर जाने के पहले कोई नकारात्मक बात न सुने न कहें, और बिस्तर पर जाने के पहले कोई नकारात्मक विचार न करें। यदि नकारात्मक बातें देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, नकारात्मक विचार करते हैं, तो बिस्तर पर लेटने के बाद भी नींद नहीं आएगी, आप करवट बदलते रहेंगे। नकारात्मक विचारों में डूबा हुआ आदमी से नींद कैसे आएगी रात में बराबर? बिस्तर पर लेटें और लेटते ही एक दो मिनट के अंदर नींद आ जानी चाहिए। ये स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन शैली की पहचान है। बिस्तर पर लेटे हैं, सोने का समय हो गया, बत्ती बुझा दी गई, आप लेट गए, नींद नहीं आ रही है, करवट बदल रहे हैं, ये आपकी गलत जीवन शैली की पहचान है। बिस्तर पर समय बीत गया, अब किसी को कोई रोग हो गया शरीर में, कहीं दर्द है, कोई और है, कभी कोई ऐसी भयंकर समस्या आ गई जीवन में, उसके कारण से नींद नहीं आ रही कभार, वो बात अलग है। वो भी समस्या भी मन की उपज है, शारीरिक रोग ना हो, बहुत थकान हो या कहीं कुछ बहुत ठंडी हो, गर्मी हो, इसके कारण से नींद ना आ रही हो, वो अलग बात है। लेकिन बहुत ठंडी भी नहीं है, ठंडी के सीजन भी है तो पर्याप्त मात्रा में पहनने ओढ़ने के कपड़े हैं, बहुत गर्मी ना हो लेकिन गर्मी के दिन में भी कूलर है, पंखा है, एसी है, शरीर में कोई दर्द भी नहीं है, सब कुछ अनुकूल है, फिर भी नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब हमारा मन पापी बना हुआ है। ये पापी मन की पहचान, हमारे पाप की पहचान, बिस्तर पर करवट बदलते रहना। हमने जीवन को नहीं संभाला है, कहीं ना कहीं पाप किया है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, स्वयं के साथ, दूसरों के साथ, मन पाप में डूबा है, इसलिए नींद नहीं आ रही है। सही जीवन शैली है, एक एक काम को सोच कर करते हैं, एक एक बात सोच कर बोलते हैं, नकारात्मक चिंतन है नहीं, तो नींद क्यों नहीं आएगी आपको? बिस्तर पर जाएं, लेटें, एक दो मिनट के अंदर नींद आ जानी चाहिए। समझ ले आपका जीवन बहुत बढ़िया व्यतीत हो रहा है, आप जीवन को सही ढंग से जी रहे हैं, उसमें भी विचारों पर नियंत्रण मुख्य है। तो विचार पर नियंत्रण नहीं होगा तो जीवन में कहीं भी नियंत्रण नहीं होगा। विचार तो मूल है, जो कुछ हम काम करते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं, एकाग्र थोड़े हो जाता है। पहले विचार, ये काम करना है, पहले हम विचार लेते हैं, सोच लेते हैं, चिंतन कर लेते, तब तो करते हैं। तो अकेले में रहें तो विचारों पर नियंत्रण, विचारों को संभाल लें।
जिस आदमी ने अपने विचारों को संभाल लिया उस आदमी ने अपने पूरे जीवन को संभाल लिया। फिर जीवन में अन्यथा कुछ नहीं होगा, जो होगा स्वपर के लिए मंगलमय ही होगा। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं रहु संहारे राम विचारे, अपने को संभाल करके रखें। पहला काम है संभाल करना। जो आदमी अपने आप को संभाल नहीं सकता वो विचार, वो राम का विचार क्या करेगा, राम का चिंतन क्या करेगा। वह जिसका व्यवहार ही बिगड़ा हुआ है उसका परमार्थ कैसे बन सकता है। परमार्थ सुधार के लिए व्यवहार सुधार। कोई भी प्राणी पग बिना जैसे ही चल सकता नहीं, व्यवहार की शुद्धि बिना परमार्थ क्यों बन सकता नहीं। परमार्थ स्थिति पैर को व्यवहार ही तू जानकर व्यवहार शुद्धि कर भले, यही विधि समाज सुधार कर। ये गुरुदेव जी के एक छंद की चार पंक्तियां हैं। जैसे हम बिना पैर के चल नहीं सकते, चलना है तो पैर चाहिए, ऐसे ही परमार्थ दिशा में आगे बढ़ना है, परमार्थिक उन्नति करना है तो व्यवहार शुद्धि पहली शर्त है। किसी से लड़कर, किसी से झगड़कर, किसी का कुछ छीन कर, किसी का हक मार कर, किसी से गलत बात बोलकर, किसी के लिए गलत सोच करके ध्यान में बैठोगे ध्यान लगेगा। किसी से लड़ झगड़ करके क्या पूजा बन पाएगी। यांत्रिक पूजा तो हो जाएगी लेकिन मन पूजा में लगेगा। इसलिए संभालना है। अकेले में, भीड़ में, घर में, बाहर में, दुकान, सब जगह आंखों को संभालें, कान को संभालें, मुख को संभालें, मन के विकारों को संभालें, पूरे शरीर को संभालें। संभालने का मतलब गलत का त्याग, सही की स्वीकृति। संयम का अर्थ क्या है। संयम का अर्थ है मन वाणी इंद्रियों की वे क्रियाएं जिनसे जीवन में चंचलता आती है, दुख आता है, बंधन आता है, अशांति आती है, उनका त्याग। और मन इंद्रियों की वे क्रियाएं जिनके चिंतन से, जिनके आचरण से, जिनके उच्चारण से जीवन में शांति आती है, प्रसन्नता आती है, आनंद आता है और दूसरों को भी सुख मिलता है, सुविधा मिलती है, उनका ग्रहण, बस ये संयम है। संयम का अर्थ आंखों पर पट्टी बांध लेना नहीं है। संयम का अर्थ आंख हाथ पैर को बटोर करके बैठ जाना नहीं है। फिर तो जीवन कैसे चलेगा, सेवा कैसे बनेगी। गलत का त्याग, सही की स्वीकृति, यही अपने को संभालना। सद्गुरु कहते हैं रहु संहारे, अपने को संभाल करके रखो। जब अपने को संभाल करके रख लिए, मन वाणी इंद्रियों पर संयमन हो गया, सब संभल गए, सब व्यवस्थित, तब राम का विचार कि राम कौन है। राम का विचार, कबीर का राम अंतरात्मा स्वसत्ता। कल मैंने कहा था आप राम न कहना चाहो, राम शब्द आपको पसंद नहीं है तो ब्रह्म शब्द ले लो, परमात्मा आप उसको ले लो, ईश्वर शब्द आप लेना चाहे आपको उसे पसंद वो ले लीजिए। वही सब पसंद नहीं है, खुदा अल्लाह पसंद है तो आप वह ले प्रयोग कर लीजिए, ना कोई पसंद है तो जीव चेतन आत्मा ले लीजिए, रूह सोल ले लीजिए, ये सब शब्द हैं। राम का विचार मतलब आत्मचिंतन, स्वचिंतन, अपनी सत्ता का चिंतन, मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाना है, मेरा स्वरूप क्या है,
वह कौन है जो सब कुछ को जानने वानने वाला है? इस शरीर ही मेरा स्वरूप है या शरीर से अलग भी मेरा अस्तित्व है? इन बातों पर चिंतन। दिखाई तो पड़ता है हमारा शरीर, लेकिन शरीर ही सब कुछ नहीं है। शरीर तो एक खोल है, एक आवरण, एक म्यान, जैसे म्यान में तलवार रखी जाती है, बस ऐसे ही एक खोल, एक आवरण है। इस जीव के निवास के लिए शरीर संबंध से शरीर एक दिन नहीं था, एक दिन हमारा शरीर नहीं रहेगा, तो क्या शरीर के पहले मेरा अस्तित्व नहीं था? शरीर के बाद मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा? शरीर के पहले मेरा अस्तित्व नहीं था तो मैं कहाँ से आ गया, और शरीर के बाद अस्तित्व नहीं रहेगा तो मैं कहाँ चला जाऊंगा? इस बात पर चिंतन, चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि शरीर के पहले भी मेरा अस्तित्व था, शरीर बाद भी मेरा अस्तित्व रहेगा। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, ये पांच तत्व कहे जाते हैं, लेकिन आकाश गुण धर्म रहित है, आकाश में कोई क्रिया नहीं है। इसलिए पार्किंसन, जहां क्रिया की या गुणधर्म की बात आती है वहां पर आकाश का नाम नहीं लेते, चार कहते हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये चार तत्व हैं। इन चारों तत्वों में चेतना गुण नहीं है। आज वैज्ञानिक 100 से अधिक तत्वों का निरूपण किए हैं, सब खोज किए हैं, उन किसी भी तत्वों में चेतना गुण नहीं है, ज्ञान गुण, जानने का गुण नहीं है। और जो गुण मूल तत्व में नहीं होता है, मूल भौतिक द्रव्य में नहीं होगा, वह गुण उनके कारण में नहीं आ सकेगा, क्योंकि कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्टः, कारण के गुण पूर्वक ही कार्य में गुण देखे जाते हैं। तो जब मूल भौतिक द्रव्यों में चेतना ज्ञान गुण नहीं है, तो उनके कार्य में ज्ञान गुण और चेतना कैसे उत्पन्न हो जाएंगे? मिट्टी, पानी, आग, हवा में चेतना नहीं है, ज्ञान गुण नहीं है, तो इनके कार्यों में ये ज्ञान गुण कैसे आ जाएगा? लेकिन चेतना एक गुण है, प्रत्यक्ष है। तो जो चेतना गुण है वो किस द्रव्य का है? क्योंकि कोई भी गुण बिना द्रव्य के रहेगा नहीं, आकाश में तैरेगा नहीं, हर गुण को गुणी चाहिए, गुणी में ही गुण होगा। तो चेतना गुण जिस गुणी में है, जिस द्रव्य में है, वो कौन है? उसी को हम अध्यात्म की भाषा में जीव, चेतन, आत्मा, रू, सोल, ब्रह्म आदि नामों से कहते हैं, और वही मैं हूं, वो मुझसे अलग नहीं है। अस्ति कच्चि स्वयं नित्य, अस्ति कच्चि स्वयं नित्य अहम प्रत्यय लंबन, अवस्था त्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षणा। स्वामी शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि के में कहते हैं, अहम प्रत्यय लंबन, अहम मैं, प्रत्यय बोध ज्ञान, लंबना आलंबन आधार, मैं बोध का आधार, जहाँ से मैं की आवाज़ निकलती है, मैं एक काम करूँगा, मैं एक काम नहीं करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं ये बात नहीं मान सकता, मैं ये बात मान करके रहूँगा, ये मैं पना, मैं बोध का आधार क्या है? आखिर हम जो कुछ करते हैं मैं को केंद्र में रख कर ही तो करते हैं, तो मैं कहने वाला कौन? अस्ति कश्चित स्वयं नित्य, अस्ति है, कश्चित कोई, स्वयं अपने आप, नित्य नित्य, मैं बोध का आधार,
मैं हूँ ये जानने वाला, इस ज्ञान का आधार कोई एक नित्य स्वयंभू पदार्थ है। वो कैसा हुआ? अवस्था त्रय साक्षी सन। अवस्था त्रय जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी। और कैसे? पंच कोश विलक्षण, पांचों कोशों से विलक्षण, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये पांच कोश हैं। ये पांचों कोश जीव के ऊपर आवरण है। जीव इन सबको जानने वाले, इन सब से पृथक। तो स्वामी शंकराचार्य कहते हैं कि जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, पांचों कोशों से विलक्षण है और मैं बोध का आधार है, वह नित्य स्वयंभू सत्ता है। वह कौन? मैं तत्व, मैं सबका अपना आपा। उसी को साहब राम कहते हैं, उसी को साहब जीव कहते हैं। सद्गुरु कबीर ने राम और जीव ये दो शब्दों का प्रयोग अपनी वाणियों में सर्वाधिक किया है। उसी लिए यहां साहब कहते हैं राम विचारे, राम के विचार करो, आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन के दो अर्थ, एक तो आत्मचिंतन का अर्थ होगा अकेले बैठे, और अकेले बैठ करके अपने गुण दोषों की परख करें कि गत वर्ष की अपेक्षा मेरे दोष कितने घटे। नहीं घटे तो कहां मुझसे भूल हो रही है, जो दोष बाकी हैं उनको कैसे मैं घटा सकता हूं, मेरे दुख का कारण क्या है, सद्गुण कितने बढ़े, नहीं बढ़ रहे हैं सद्गुण तो कहां मुझ में कमी है, कहां मुझसे भूल हो रही है। अपने गुण दोषों की बराबर परख करते जाना, दोषों को घटाने के लिए ग्लानी और दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प करना, सद्गुणों को, आत्मस्वस्थता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास करते जाना, ये एक आत्मचिंतन है व्यवहारिक। दूसरा आत्मचिंतन पारमार्थिक ढंग से कि मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल निर्विकार चेतन हूँ, अंश अंशी कारणकारी व्याप्य भापक भाव से रहित, सबका जानने मानने वाला, तीनों अवस्थाओं में एक रहने वाला, एक रस, मेरे स्वरूप में कोई विकार नहीं है, किंतु स्वरूप का अज्ञान, स्वरूप का विस्मरण होने के कारण शरीर और शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ को अपना मान करके इनकी अहंतम अंतम पड़ा हूं, ये मेरे दुख का कारण है। ऐसा जान करके अपने को सारे जड़ दृश्यों का दृष्टा, साक्षी, भोक्ता और ममता मानकर, सबकी अहंता ममता का त्याग करके मन को अंतर्मुख कर लेना, आत्मलीन कर देना, ये राम का विचार करना है। मन बाहर से मुड़ गया, आत्मलीन हो गया, तो बस जो चाहिए ब्रह्म परमात्मा मोक्ष सब मिल गया, बस काम बन गया। सद्गुरु कबीर कहते हैं रहु संहारे राम विचारे, अपने को संभाल करके रखें और राम का विचार करें। जहाँ सुबह से शाम तक, जब तक जीवन है तब तक, सुबह से शाम तक हर समय हम अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी इंद्रियों को, मन के विकारों को संभाल करके रखें और राम का विचार करते रहें, बस इतने में हमारा काम बन जाएगा। केवल चार शब्द रहु संहारे राम विचारे, इसमें सब समाया, इतने को अमल कर लें तो पूरा जीवन दर्शन इसमें समाया हुआ है। कबीर ने, साहब ने इन चार शब्दों में सब कुछ कह दिया है। अपने को संभाल कर रखना है और जीवन भर राम का विचार करते रहना है।